वेलकम बैक टू माय चैनल लूट न लो जम के पढ़ो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए हमारे वीडियो को पे। कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो, हम लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करें। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक एनिमल किंगडम के बारे में। देखिए एनिमल किंगडम में जो फाइलम्स होते हैं, उन्हें कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो 10 फाइलम्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला होता है प्रोटोजोआ, सेकेंड पॉलीफेरा, आपको पता होगा इनमें छेद पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा, प्लैटी हेलमिंथिस, फिफ्थ है निमेटोड्स, एंड सिक्स्थ है एनिलिडा। कॉर्डेटा में हम आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रोटोजोन्स को मैंने बताया है, प्रोटोजोन में हमने एक पढ़ा चुके हैं आपको पैरामीशियम, तो पैरामीशियम को आप रहने दीजिए। अमीबा सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, ठीक है, अमीबा, प्रोटोजोआ का अमीबा। पॉलीफेरा में साइकन एंड सिलेंट्रेट्स में आते हैं जेलीफिश वगैरह, और एलिया ले लीजिए। एंड प्लैटी हेलमिंथिस में आपको पता ही है फैशियोला हिपैटिका है, फैशियोला हिपैटिका यानी लीवर फ्लू, ठीक है। ये जो होते हैं ये जानवरों की आंत में पाए जाने वाले कृमि होते हैं। निमेटोड्स होते हैं एस्केलिस, एंड एनिलिड्स में आते हैं अर्थवॉर्म, फेरेटिमा पोस्टमा नाम होता है, ठीक है। ऑर्थोपोड्स में आते हैं जितने भी इंसेक्ट्स हैं, हम लोग किसी का भी एग्जांपल क्रैब, ठीक है, क्रैब या स्टिक इंसेक्ट, ठीक है, इनको हम ऑर्थोपोड्स में डालते हैं, ठीक है। मोलस्का जो होते हैं, मोलस्का में ज्यादातर ये सी वाले एनिमल्स हैं, फाइला, ग्लोबोसा, एक एग्जांपल है पाइला ग्लोबोसा। इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश आती है, ठीक है, स्टार फिश या पेंटोसरोस, ठीक है। स्टार फिश का नाम होता है एस्टेरिस रूबेंस। कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा में क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, उनके हिसाब से एग्जांपल हम फिट कर सकते हैं। बट इसमें हम फ्रॉग डाल देते हैं, फ्रॉग यानी कि राना टिग्रिना, ठीक है, राना टिग्रिना, ये भी हम बताएंगे कि फ्रॉग किस में आता है, ठीक है। अब हम कॉर्डेटा के 5 क्लासेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, थीके?
फाइलम कॉर्डेटा की बात हम करें ठीक है, तो कॉर्डेटा की 5 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट होती है फिशेस यानी कि मछली, मत्स्य वर्ग बोलते हैं इसे। और दूसरा होता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस माने उभयचर। उभयचर का मतलब होता है ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं। पिसीज जो होते हैं वो जल में होते हैं ठीक है। एंड थर्ड आते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टेलिया बोलेंगे, क्लास के बारे में बोल रहे हैं तो रेप्टेलिया। रेप्टेलिया में आते हैं जितने भी, इसे रेंगने वाले बोलते हैं तो हिंदी में क्या लिखे इसे जाने दीजिए। रेप्टेलिया का एक एग्जांपल अभी हम तीनों का बताते हैं ठीक है। पहले फोर्थ है, फोर्थ क्या होते हैं एवस, एव्स भी बोलते हैं कुछ एवस बोलते हैं कुछ लोग। एंड फिफ्थ आते हैं मैमेलियन, मैमेलिया। ठीक, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पिसीज का एग्जांपल ले लीजिए डॉग फिश या शार्क या जितनी भी फिशेस होती हैं सब पिसीज में आती हैं। एम्फीबियंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कॉमन कहें, कॉमन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से पूछा जाता है, राना टिग्रीना यानी कि मेड अप फ्रॉग। ठीक है, एंड रेप्टेलिया में आते हैं स्नेक, स्नेक्स और उसे कहते हैं वो रेंगने वाले जितने भी आप कह सकते हैं, छिपकली भी रेप्टेलिया में ही आती है। ठीक है, लिजर्ड। एस में आते हैं सभी बर्ड्स, बर्ड्स ने आप कॉमन है, सबसे कॉमन नाम क्या होता है, स्पैरो का होता है एंड उसका स्पैरो का होता है पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस एंड कोलंबा लिविया, दो बर्ड्स हैं जो बहुत ही कॉमन है। वैसे बर्ड्स आते हैं सभी एविस में, बर्ड्स आते हैं रेप्टेलिया में जितने भी रेंगने वाले होते हैं, एम्फीबियंस में जो पानी और जल और स्थल दोनों में रह सके, एम्फीबियंस यानी उभयचर, फिशेस मत्स्य वर्ग, और स्तनपाई जीव यानी कि मैमेलिया। मैमेलिया में जो होते हैं हम आते हैं ह्यूमंस। ठीक है, मैमेलियन में ह्यूमंस आते हैं एंड काउ। ठीक है, ये सब जितने भी स्तनपाई जीव हैं वो सब मैमेलिया में आते हैं। ठीक है, और एक फिश होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब मैमेलिया पढ़ेंगे, तो वो जो फिश होती है वो भी एक स्तनपाई है, पर बाकी सारे फिशेस स्तनपाई नहीं होती है, बस एक ही फिश होती है जिसका हम नाम बताएंगे अभी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा की क्लासेस के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लोड ना लो और जम के पढ़ो। हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।